चाय सबसे पहले। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सेसी ब्लॉग। इतनी देर बाद मिल रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ, मायरा को छोड़कर आई स्कूल और उसके बाद चाय पी और उसके बाद ही जस्ट मैंने फटाफट से अपने सारे कपड़े धोए बिकॉज अब मशीन लगाने वाली हो रही थी और अभी 12 बज रहे। नहा ली हूँ मैं पूरी, कपड़े मैं अभी इतना टी शर्ट वगैरह ही पहन के रखती हूँ। जैसे ही मायरा को स्कूल लेने के लिए निकलती हूँ तब मैं जीन्स एंड टॉप डालती हूँ और आकर फिर चेंज कर लेती हूँ बिकॉज गर्मी इतनी हो रही है। अब तो बस मैं अर्शी का वेट कर रही हूँ, अर्शी आ जाए तो मैं रेडी होती हूँ फिर निकलती हूँ मायरा को स्कूल लेने। भूल गई बता रही हूँ, अर्शी के आने के बाद हम लोग गए अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड के बाद हम लोग चले गए मायरा को स्कूल लेने। तो अर्शी ने ना मुझसे यहाँ पे फ़ोन ले लिया था ये कह कर के लाओ मैं आज आपका व्लॉग भी शूट करती हूँ और आपके लिए यूट्यूब शॉर्ट भी शूट करती हूँ बिकॉज आप बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिल पाता। मैं खुद देख रही हूँ दो बार से जब से आ रही हूँ कि आप भागा दौड़ी में ही रहते हो, इस वजह से आप कुछ कॉन्टेंट नहीं शूट कर पाते। तो उसने मेरे लिए व्लॉग शूट करा था और उसको आईफोन से शूट करने में इतना मज़ा आ रहा था कि पूरा का पूरा व्लॉग कार में ही शूट कर दिया। अब मैं इसको एज इट इज़ डाल भी नहीं सकती क्योंकि कार में म्यूज़िक चल रहा था। तो बस मायरा को हम स्कूल से लेकर आए, उसके बाद लंच कराया, मैं चली गई किचन में वड़ा पाव बनाने जिसका आपने अगर अर्शी को फॉलो करते हो तो देख लिया होगा, शॉर्ट व्लॉग भी डाल दिया अर्शी ने और मेरा व्लॉग अब एडिट हो रहा है। देख लो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट करना थोड़ा सा गाइज, लेट आएंगे व्लॉग्स बिकॉज अभी हेल्प नहीं है मेरे पास, तमन्ना नहीं है तो मिले थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यूट्यूब एंड मायरा एंड घर का काम सब मैनेज करना। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करना, बाकी जल्दी व्लॉग टाइम पर भी आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। तुम्हें क्या होता है ये, तुम कहाँ से सीखा है, क्या बोलते हैं मम्मा को? मम्मा को क्या बोलते हैं और सबको क्या बोलते हैं तो फिर तुम क्या होता है, तुम क्या होता है? तो वैसे ही होता है कि तुम तो ठहरे परदेशी होता है। क्या होता है कहाँ से सीखा है ये वाला भैया सोचेंगे मैं किसी के गेट पे हरी मिर्च नींबू टांगने का काम करती हूँ। कैट है क्या? मैं घर में कैट है, मैं इसे खाती हूँ टॉय में। कैट है? अच्छा मैंने तो नहीं देखी, मैं तो अभी दिखाऊंगी। उनको ना हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारी कैट देख के फिर उसका प्राइस सुन के। खुश होंगी। वो क्यों खुश होंगी? वो पागल बोलेंगी मुझे कि ये क्या दिला के दिया है इसको इतना महंगा। हाँ बोल सकती हूँ मैं। बिगाड़ेगा बच्चों का भी कुछ। फेरा नहीं खड़ा ट्रक, टायर लीक हो गया। दिखाओ जरा कौन सी कैट है ये। ये क्या है, छोटू सी है ये तो, मैं तो बहुत बड़ी एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ कैट। कितने की है मायरा ये? सो बार में दो। मेरे को क्या समझ आएगा ऐसे भाई, क्या है इसमें ऐसा? कुछ भी नहीं है बस देख ली थी तो है, कुछ तो होगा, चलती होगी, नाचती होगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पूरा ब्लॉग बना दिया आज मैंने। क्या बोल रही, क्या बोल रही, दोबारा सुना। क्या ये क्या है, What is this? ये देखो मैंने अर्शी को फाइनली खिला दिया और मैं सुबह से लगी हुई थी, मैंने रात को ही कर ली थी प्रिपरेशन पर मेरे को कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो आते ही स्कूल से बड़ा पाव खिलाया भाई, थैंक यू। स्कूल से आते पैसे बोले तुम, स्कूल से आई हो भाई तुम, आपका तो स्कूल से आना हुआ ना। ये देख लो इसको जरा, ये देखो कैसे खा रही है। हमेशा लाइन के अंदर लिखते हैं, हमारा हैंडराइटिंग के भी ना मार्क्स होते हैं, अच्छे से करा करो। सुनो मेरी बात, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं करा। नो नो, मैंने क्या बोला है, इसको कम से कम यूज करना है,
इसको जब आप कम यूज करोगे ना इसका, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे को नहीं बात करनी आपसे, मैं नहीं पढ़ा रही आपको, कनिका मैम आएंगी ना ठीक है, फिर वो आपको डांटेंगी और मैं चली जाऊंगी बाहर यहाँ से। फिर अच्छे से करो टी फॉर ट्री, अच्छे से बनाओ, आपको आता है ना अच्छे से बनाना, जैसे ये बनाया है, ये किसने बनाया है? नो झूठ बोल रहे हो आप। कनिका मैम आओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, ट्री बेल बजिए, कनिका मैम आओ, जल्दी जल्दी, अरे नहीं डांटेंगी, मजाक कर रही, जल्दी इसको बना, जल्दी इसको बना, फिनिश कर, फिनिश कर, फिनिश कर, जल्दी से, जल्दी से फिनिश कर। कनिका से बहुत डरती है, मारती भी नहीं है वो, बस गुस्सा हो जाती है इस बात से डरती है। अब हम क्या करें, हम बातें करेंगे, हमें एक घंटा मिल गया अपना पर्स। मायरा कहाँ जा रही है? स्विमिंग। थक गई हूँ मैं। हाँ भाई। पूरा दिन बच्चे तो घूम लेंगे। तुम्हारा के स्कूल खुल गया तो कहीं घूमने को नहीं मिलेगा। पर यही होता है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाए ना, फिर वेट करो समर वेकेशन कब होंगे। कहने को नर्सरी है, लेकिन तुमने देख ही लिया। हाँ भाई, बहुत हैटेक है। ये सुपर मॉम है। मायरा की स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद हम लोग चले गए थे नवेद्यम, मैं, अर्शी और मायरा, क्योंकि मायरा को इडली खाने का मन था। तो उसका मैंने कुछ भी ना व्लॉग बनाया ना शॉर्ट बनाया, बाकी मैंने पूरा दिन में क्या क्या करा, व्लॉग तो शूट करा नहीं, बट आपको बहुत जल्दी यूट्यूब शॉर्ट पे शॉर्ट देखने को मिलेगा, अर्शी ने शूट करा है मेरे लिए। तो अभी मैं जस्ट 15-20 मिनट पहले घर आई हूँ और मायरा मेरी गोद में ही सो गई थी। अर्शी को ऑटो ही नहीं मिल रहा था कोई वापस जाने के लिए। हमने दवाई ली, नवेद्यम गए, कुछ खाया पिया, दवाई ली केमिस्ट से, उसके बाद हम एक घंटे तक वेट करते रहे। जो भी ऑटो बुक करा ऑटो वाले ने कैंसिल कर दिया था, ऊबर वालों का ये बड़ा पंगा है। लिटरली मैं पूरी गीली हो गई थी और मायरा भी मेरी गोद में सो गई थी। जस्ट अभी आकर मैंने उसको लिटाया और आज का ब्लॉग आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज पूरा दिन बिजी थी और कितना बिजी थी, इसके लिए अलग से मेरे लिए अर्शी ने पूरा एक यूट्यूब शॉर्ट शूट करा, तो वो मैं ज़रूर डाल दूँगी इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद, तो आप देख लेना। उसमें मतलब एक मिनट का यूट्यूब शॉर्ट है, बट आपको मज़ा आएगा देख कर, बिकॉज एक मिनट में आप देखोगे कि कितनी सारी चीज़ें करी है पूरा दिन में, बिकॉज अभी तमन्ना भी नहीं है, आपको पता होगा, और अभी उसका कुछ पता भी नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपको अपडेट कर दूंगी, क्योंकि उसका भी मुझे कुछ ना कुछ आ जाएगा कि वो कब आएगी या आएगी या नहीं आएगी, तो अभी उसका कुछ पता नहीं, उसे इमरजेंसी में गाँव जाना पड़ गया है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें मैनेज करना, तो अभी थोड़ी से व्लॉग लेट भी आएंगे, और आई होप आप लोगों ने इस पूरे व्लॉग में कुछ तो इन्जॉय करा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस।